मान्यवर, किस लेह से यहाँ पर जो आपने जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या पूरा रीजन है, क्यों करा गया है ये? जो कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश व्यापी संपर्क कार्यक्रम और एक घंटे का विस्तार कार्यक्रम चल रहा है, इसका मूल उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपे जाने के, जो उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली के शीर्ष प्रबंधन ने ले रखा है और पूर्वांचल के इस काम को 3 कंपनियों में बांट करके मुनाफा बेस पर जो है आम उपभोक्ताओं की बिजली महंगी करने के साथ ही बिजली कर्मचारियों के हितों को कुठाराघात करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए ये जनजागरण कार्यक्रम चल रहा है। और प्रदेश के कोने कोने में हमारी केंद्रीय टोली मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद तमाम जगहों से होते हुए यहाँ आज पहुँची है और निश्चय ही उत्तर प्रदेश के संयुक्त संघर्ष समिति जो बिजली का कर्मचारियों का एक है, इसने पिछले 1 सितंबर से प्रदेशव्यापी एक अपना सरकार को ऊर्जा के प्रबंधन को सूचना दी कि हमारे लोगों के साथ जो निजीकरण का कार्रवाई हो रही है, विगत में निजीकरण के प्रयोग पूरी तरह फेल हो चुके हैं, इससे न उद्योग का हित है, न कर्मचारियों का हित है, न ही बिजली उपभोक्ताओं का है। तो निश्चय ही इस पे एक हमारे सकारात्मक सुझाव लेकर के आगे कोई कार्रवाई करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे कहीं न कहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे निर्णय ले रही, जिस कारण 1 सितंबर से लगातार हम लोग प्रदेश के सभी जिला और परियोजना मुख्यालयों पे 1 घंटे का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, लगभग आज 22 दिन से ज़्यादा 23 दिन बीत गए और हमने एक सकारात्मक कार्यक्रम के साथ ही बिजली व्यवस्था में सुधार करने का एक प्रस्ताव दिया, लेकिन ऊर्जा के प्रबंधन और सरकार ने इस पे तनिक भी ध्यान नहीं दिया और आज भी हमसे न ही कोई वार्ता हुई, न ही किसी प्रकार का सकारात्मक चर्चा हुई, जिसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता और अधिकारियों में एक व्यापक रोष है। और निश्चय यह रोष आने वाले दिनों में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और बिजली के शिखर प्रबंधन, विशेष रूप से चेयरमैन महोदय जो कहते हैं कि 24/7 सप्लाई फरहाल, सस्ती बिजली, हर घर बिजली देने का मादा है, कहीं न कहीं ये दूर के गुलाबी ख्याल है और इसको लेकर के संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि अगर आप निजीकरण की कार्रवाई को नहीं रोकने का प्रयास करेंगे, आगामी दिनों हम कल 24 तारीख को प्रदेश व्यापी जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी है आपात बैठक होने जा रही है और बैठक में आगे के बड़े संघर्ष कार्यक्रम की कोई निर्णय लेने के लिए बात। क्या नाम है आपका और किस पद? मैं इंजीनियर जयप्रकाश हूँ। आज की इस कार्यक्रम का अध्यक्षता मुझे लोगों ने दिया, हालांकि मैं राज्य विद्युत परिषद जनसंपर्क उत्तर प्रदेश का केंद्रीय महासचिव और संघर्ष समिति का एक कार्यकर्ता ग्रुप ने घटक संकाय हमारे तमाम संगठनों के केंद्रीय पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं और क्योंकि हमारा 1 सितंबर से लगातार ये जो एक जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है हमारे बिजली के कर्मचारियों के बीच में, उस जन जागरण के कार्यक्रम में आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की प्रदेश व्यापी दौरे प्रारंभ हो गए हैं हमारे 21 तारीख से। अभी हम लोग मेरठ, मुरादाबाद का आंदोलन करने के पश्चात, वहाँ की बैठकें करने के पश्चात आज बरेली पहुँचे हैं और फिर आगे हमारे कानपुर, अलीगढ़, आगरा और पूरे प्रदेश स्तर पर हम लोगों को सबको जाना है। उसी कड़ी में आज हम बरेली में आए हुए हैं और यहाँ के कर्मचारियों को वास्तविकता को आमने सामने उनके बताने आए हैं कि वास्तविकता है क्या, जो हमारे 22 जनपद जो जा रहे हैं हमारे पूर्वांचल के, उन सबके जाने से, निजीकरण के होने से क्या क्या घातक उसके दुष्परिणाम हमारे बिजली के कर्मचारियों के सामने आने वाले हैं और उससे पूरे प्रदेश के उपभोक्ता का कितना बुरा हाल होने वाला है, उस सबकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आज आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि समय रहते वो हमारे बिजली के कर्मचारियों के इस आंदोलन को गंभीरता से स्वीकारें, संवेदना उनकी जागनी चाहिए और देखना चाहिए कि बिजली कर्मचारी आखिर आंदोलन करने को वादे क्यों हैं। अगर ऐसा वो करते हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश के लिए, हमारे बिजली कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खुशी खबर होगी, अन्यथा की स्थिति में ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र रूप लेने जा रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली संभवतः ये आंदोलन कहीं ऐसा ना हो कि निजीकरण के हाथ में। अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती है तो आप किस तरह का आंदोलन करेंगे? ऐसा है, इसके लिए हम लोगों की 24 तारीख को कल प्रदेश में हमारी लखनऊ में बैठक है पूरी केंद्रीय कार्य समिति की, उसमें हमारे आगे भविष्य के लिए निर्णय तय होंगे। साथ ही इतना तो हम लोगों ने अपने आंदोलन की नोटिस में डाल ही रखा है कि अगर हमारे किसी भी कर्मचारी का पूरे प्रदेश स्तर पर कोई उत्पीड़न अगर होता है तो तत्काल प्रभाव से हमारे बिजली के पूरे प्रदेश के कर्मचारी लगभग 45,000 लोग हड़ताल तक की स्थिति पर आ सकते हैं और आने वाला आंदोलन पूरे प्रदेश के लिए बहुत घातक साबित होगा। इसलिए हम पुनः अपील करते हैं प्रदेश सरकार से कि हमारे इस आंदोलन को गंभीरता से लें और इस निजीकरण के विषय को यहीं पर समाप्त करें। धन्यवाद। हमारे संवेदना
उनकी जागनी चाहिए और देखना चाहिए कि बीजेपी कर्मचारी आखिर आंदोलन करने के बाद क्यों है। अगर ऐसा वो करते हैं तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश के लिए, हमारे बीजेपी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खुशी खबर होगी, अन्यथा की स्थिति में ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र रूप लेने जा रहा है और बहुत पॉपुलर संभवतः ये आंदोलन कहीं ऐसा ना हो कि निजीकरण के इसके बाद में अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती है तो आप किस तरह का आंदोलन करेंगे? ऐसा है, इसके लिए हम लोगों की 24 तारीख को कल प्रदेश में हमारी लखनऊ में बैठक है पूरी केंद्रीय कार्य समिति की, उसमें हमारे आगे भविष्य के लिए निर्णय तय होंगे। साथ ही इतना तो हम लोगों ने अपने आंदोलन की नोटिस में डाल ही रखा है कि अगर हमारे किसी भी कर्मचारी का